नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। रिप्लाइजिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहे हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों आज मैं आपको कपूर के कुछ खास उपाय बताऊंगा। कपूर जो होता है शुक्र से संबंधित होता है, और शुक्र की यदि उपाय कर ली जाए तो जिंदगी में लग्जरी लाइफ आने लगती है। मैं 3 से 4 उपाय आपको बताऊंगा। यदि आपके घर में वास्तु दोष है, व्यापार नहीं चल रहा है, दुर्भाग्य साथ नहीं छोड़ रहा है, पति पत्नी में अनबन है, धन से संबंधित कोई परेशानी है, बरकत नहीं रहती है, पैसा नहीं आता है, मनी ब्लॉकेज है, तो कपूर के मैं आपको कुछ छोटे छोटे से ऐसे टिप्स दूंगा जिसके जरिए आप ये सब परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि अगर अभी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त होगी और आप उसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि यदि आपके घर में वास्तु दोष है, किसी ने आपको कहा है या आपको ऐसा लगता है कि घर में अशांति रहती है, मन अशांत रहता है, रोग दोष घेरे हुए हैं, तो इसके लिए कपूर का छोटा सा उपाय आप करिए। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपको जो मैं उपाय बता रहा हूं, जानकारी को अच्छे से समझिए, अच्छे से सुनिए। आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं, जानकारी पूरी समझते नहीं है और उसके बाद में बोलते हैं कि हमें लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो यहां पर आपको कपूर जो लेना है, केमिकल्स वाला कपूर आपको नहीं लेना है। अगर केमिकल्स वाला कपूर लेंगे तो यह असर नहीं करेगा। आपको लेना है देसी कपूर जिसमें केमिकल्स नहीं होता है, या फिर आप ले आए भीमसेनी कपूर या पूजा स्थान वाले जहां पर पूजा का सामान मिलता है वहां पर आप बरास ले आए जिसमें केमिकल्स नहीं होता है। शुद्ध कपूर लेंगे तभी यह वर्क करेगा। केमिकल्स वाला कपूर जो होता है अगर लेकर के आते हैं तो शुक्र के साथ में आपका केतु जुड़ जाता है, केमिकल्स में केतु होता है, तो आपको शुद्ध कपूर लेना है जो शुक्र का ही कारक हो। शुद्ध कपूर लेंगे तभी आपको पूर्ण रूप से उसका लाभ प्राप्त होगा, ठीक है? तो आप कपूर ले आए और साथ में अगर गंगा जल हो तो गंगा जल ले लें, और गंगा जल नहीं मिल पा रहा है कोई पवित्र नदी का जल ले लें, और वो भी नहीं है तो शुद्ध जल ले लें। कपूर को क्या करें, जल में अच्छे से मैश कर लें, जो पानी होगा किसी कटोरी में अच्छे से मैश कर लें कि उसका एक लिक्विड बन जाए। अब घर का जो आपका एंट्रेंस होगा, जहां से मेन एंटर, जहां से एंटर होते हैं घर में, एक आम का पत्ता ले लें, और जहां से आप बिल्कुल मेन, जहां से आपका मेन डोर है, जहां से गेट के अंदर आपकी एंट्री होती है, वहां से आपको शुरू करना है। जानकारी अच्छे से समझिए आप, ठीक है? जैसा मैं बोल रहा हूं बिल्कुल वैसा ही आपको करना है। ये उपाय आप किसी भी दिन से कर सकते हैं, अगर शुक्रवार से करते हैं तो और ज्यादा बेस्ट है। तो वहां से आप क्या करेंगे, आम के पत्ते से थोड़ा थोड़ा उसको छिड़कते हुए घर के हर एक दरवाजे में, हर एक दीवार में, हर एक कोने में, पूरे घर में आप छिड़कना शुरू कर दीजिए। शुक्रवार से शुक्रवार तक 7 दिन तक लगातार करिए इसको। उसके बाद में आप चाहें तो हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, हर हफ्ते में एक बार इसका छिड़काव घर में जरूर करें। इससे घर में जो भी वास्तु दोष होगा उस पर घर के सदस्यों का असर नहीं पड़ेगा, आपके वास्तु दोष दोनों सारे दूर हो जाएंगे। आप बुध को यदि आप मजबूत करना चाहते हैं, जिनका व्यापार है, बिजनेस है, नौकरी धंधा है, चल नहीं रहा है या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप लोग क्या करना है, बुध को मजबूत करने का ये जनरल उपाय है। वैसे तो बुध के उपाय जो किए जाते हैं वो कुंडली के हिसाब से किए जाते हैं, लेकिन मैं जो उपाय बता रहा हूं ये लाल किताब का टोटका है और ये जनरल है, हर कोई कर सकता है, बिना कुंडली के लिए भी कर सकते हैं। घर की जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसको हमेशा साफ रखें, घर की नॉर्थ डायरेक्शन को बिल्कुल साफ स्वच्छ रखें, और जैसे कि मैंने बताया कपूर, भीमसेनी कपूर या बरास, इसको वैसे ही जल में मिक्स करके और बुधवार से शुरू करके बुधवार तक लगातार 7 दिन तक नॉर्थ डायरेक्शन में आम के पत्ते से उसका छिड़काव करिए वहां पर। इससे बुध ग्रह जो होगा, आपकी जो व्यापार बिजनेस नहीं चल रहा था, घाटा लग रहा था या प्रमोशन नहीं हो रहा है, नौकरी वगैरह नहीं लग रही है, तो ये आपके योग बनने शुरू हो जाएंगे। काफी लोगों के मेरे पास में कमेंट्स आ रहे हैं कि दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, परेशानियां लगी रहती हैं, तो इसके लिए आप एक छोटा सा उपाय करें। शनिवार के दिन में आपको शुद्ध कपूर का तेल जो आता है, ऑयल, अभी शुद्ध कैसा होता है ये आपको पता करना है, केमिकल्स वाला ना हो, शुद्ध आप पता कर लीजिए कि बिल्कुल प्योर हो। कपूर का तेल जो होता है
पेड़ से निकलता है। ये कपूर आप ले, ये ऑयल आप ले आइए, अमेजोन वगैरह से परचेज कर लीजिए। अब शुद्ध क्या है कैसा है आपको पता करना है, लेकिन शुद्ध लेंगे तभी ये वर्क करेगा। तो आपको ये दो बूंद आपको शनिवार के दिन में अपने नहाने के पानी में इसमें ऐड कर लेना है आपको, सिर्फ दो बूंद। जब नहाते हैं तो जो भी टब में बाल्टी में नहाने का पानी होता है उसमें दो बूंद आप ये ऑयल इसमें डाल दीजिए और इससे नहाना शुरू कर दीजिए। इससे आपके शनि ग्रह की भी शांति होगी और दुर्भाग्य भी आपका पीछा छोड़ देगा। हर शनिवार को इस प्रयोग को आप करना शुरू कर दीजिए और साथ में स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी आपकी तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। अब जिनको धन रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मनी ब्लॉकेज है, पैसा रुकता नहीं है, बरकत नहीं है, उसके लिए एक छोटा सा उपाय कपूर का अपना। दोस्तों यहां पर आप दिमाग नहीं लगाएंगे, जितना मैं बोलूंगा उतने तरीके से ही आपको करना है। आपको बरास लेकर के आना है तभी ये वर्क करेगा। बरास मतलब कि शुद्ध कपूर। शुद्ध कपूर में अगर आप शुक्र बस हो, अगर उसने केतु को ऐड कर दिया, आपने केमिकल्स वाला कपूर ले आया, तो ये आपको वर्क नहीं करेगा। आपको बरास लाएंगे तो ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। बरास कपूर आपको आसानी से पूजा पाठ की सामग्री जहां मिलती है वहां आपको मिल जाएगा। ये मिश्री जैसा दिखता है, बिल्कुल मिश्री जैसा आकार होता है और देखने में मिश्री जैसा ही लगता है। ये बरास कहलाता है, बिल्कुल शुद्ध कपूर होता है। ये आपको लाना है और इसके 7 पीस आपको कर लेने हैं। एक कांच का या स्टील का जो भी हो, आप एक बाउल ले लें, कटोरी ले लें, इसमें 2 टुकड़े आप डाल देंगे फिटकरी के, 1 टुकड़ा आप डाल देंगे सेंधा नमक। सेंधा नमक ही डालना है, अपना दिमाग आप नहीं लगाएंगे। सिया सॉल्ट आपको नहीं डालना है, जो जो मैं बता रहा हूं। 7 पीस आपको लेने हैं कपूर बरास, 7 पीस ही करने हैं इसके। साथ में 2 टिक्की आपको लेनी है सफेद वाली फिटकरी, इसमें आपको डाल देना है 1 पीस सेंधा नमक, पिसा हुआ आप नहीं डालेंगे, आपको इसकी डिगली ही डालनी है। इसको उठा करके आप अपने तिजोरी में रख दीजिए, बस ये आपका काम खत्म हो जाएगा। शुक्र जो है कपूरी खुशबू से शुक्र मजबूत होगा, शुक्र जिसमें प्रसन्न है लग्जरीज लाइफ आना शुरू हो जाती है। ये प्रयोग आप कर लीजिए। अब एक प्रयोग बता रहा हूं, पति पत्नी, पत्नी में यदि अनबन रहती है, मन मुटाव रहता है, प्यार कम हो गया है, लड़ाई झगड़े कलह बहुत ज्यादा होती है, आए दिन लड़ाई होती रहती है, तो किसी भी दिन इस प्रयोग को कर लें। हो सके तो गुरुवार या शुक्रवार को कर लें। आपको पति जो होगा उसे एक सिंदूर की पुड़िया लेनी है, पत्नी जो होगी 2 कपूर की टिक्की लेगी। पति को क्या करना है, पत्नी के तकिए के नीचे सिंदूर की पुड़िया जो है वो रख दे, और पत्नी जो है पति के तकिए के नीचे 2 कपूर की टिक्की रख दे। दूसरे दिन फ्रेश हो जाइए नहा धोके, स्वच्छ होकर के, उसके बाद में जो सिंदूर की जो आपने पुड़िया ली हुई थी, ये पति क्या करेगा, कहीं भी बाहर ले जाकर के फेंक दे घर से दूर, और जो कपूर था वो अपने बेडरूम में जला दे। ये आप 3 या 4 बार कर लीजिए, वैसे एक ही बार में इसका आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जो मतभेद था, लड़ाइयां झगड़ा अनबन हो रही थी, ये खत्म हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। अब एक उपाय बता रहा हूं धन प्राप्ति का और कपूर के द्वारा, ये घर की मुख्य महिला ही करे, धन की बरकत रहती है इससे। चांदी की कटोरी लें, जब किचन में जब खाना पीना आपका सब कंप्लीट हो जाता है, साफ सफाई हो जाती है, तो शुक्रवार से इस प्रयोग को शुरू करें। चांदी की छोटी सी कटोरी लेने, ज्यादा नहीं कि बड़ी लेनी है आपको, छोटी सी कटोरी ले आए और शुक्रवार से शुरू करके डेली इस प्रयोग को करना शुरू करें। 2 लौंग ले लें फूल वाली और 2 टिक्की ले लें कपूर की, शुद्ध कपूर लेंगे तभी वर्क करेगा। केमिकल्स वाला आपको नहीं लेना है, केतु को इसमें ऐड नहीं करना है। रात में शुक्रवार से शुरू करें और डेली इस प्रयोग को करें 11 दिन 21 दिन, और जब इसका रिजल्ट मिलने लगे तो इसको कंटिन्यू करते रहें। इनको क्या करना है, रात में सोते समय जब किचन से बिल्कुल फुर्सत हो जाते हैं, अपने रसोई में सब काम कंप्लीट हो जाता है, तो 2 कपूर की टिक्की डाल करके चांदी की कटोरी में, और आपको लौंग को जला देना है। इसका धुआं अगर पूरे घर में कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो किचन में जला के इसका धुआं करते हैं। और किचन में हमेशा माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी की एक तस्वीर लगा करके जरूर रखें, इससे अन्नपूर्णा माता की और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर यही क्रिया माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा की फोटो के सामने रसोई घर में करते हैं तो और भी ज्यादा फायदा करेगा। शुक्र भी प्रसन्न रहेगा, अन्नपूर्णा प्रसन्न रहेंगी, धन धाम से परिपूर्ण रखेंगी, माता लक्ष्मी की कृपा होगी, भगवान विष्णु की कृपा होगी। बिना मतलब जो धन खर्च होता है आपका, बरकत नहीं रहती है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
कपूर के बहुत ही खास टोटके हैं, लेकिन मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि शुद्ध कपूर लेंगे तभी ये वर्क करेगा। अगर आपने इसको केमिकल्स वाला लेकर आएंगे तो केतु इसमें ऐड हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा। शुद्ध कपूर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, मिश्री जैसा दिखता है, तो इसी कपूर का आप यूज करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।